नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव अब खत्म हो गए हैं और पंचायत की बागडोर भी सभी मुखियाओं ने संभाल ली है। हालांकि चुनावी परिणाम आने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि जीतने वाले प्रत्याशी खुशी से झूम रहे होंगे, लेकिन अफसोस, कुछ लोगों की यह जीत मातम में बदल गई थी। कारण रहा लोगों के बीच रंजिश का होना, जिसकी वजह से परिणाम आने के साथ ही कई मुखियाओं की जान ले ली गई थी, जिसके बाद ही मुखिया प्रतिनिधि की जान को बचाना पंचायती राज विभाग के लिए पहली प्राथमिकता बन गई थी। यही कारण है कि अब पंचायती राज विभाग ने मुखियाओं और पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सजगता बढ़ा दी है, जिसके बाद से ही अब पंचायत प्रतिनिधि खुद की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से बॉडीगार्ड की मांग कर सकते हैं। जांच के बाद संबंधित जनप्रतिनिधि किसी मामले में आरोपित नहीं है तो 6 महीने के लिए बॉडीगार्ड उपलब्ध करवाया जा सकता है। हाल ही में परिसदन में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी है। इतना ही नहीं, सबसे खास बात यह होने वाली है कि पंचायत प्रतिनिधियों को उनकी खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसके तहत पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए अपने पास लाइसेंस हथियार भी रख सकते हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी के यहाँ पर आवेदन करना होगा। समुचित जाँच के बाद हथियार का लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। 23 दिसंबर को ही धरहरा प्रखंड के आजिमगंज पंचायत के मुखिया परमानंद टुड्डू की जान ले ली गई थी। इतना ही नहीं, कई पंचायत प्रतिनिधियों की जान भी इस बार पंचायत चुनाव में आए परिणाम के बाद ले ली गई है, जिसमें संलिप्त कई नामजद आरोपितों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा मिले, इसकी मांग न्यायालय से भी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पिछले साल हुए पंचायत चुनाव के बाद 24 सितंबर से 20 जनवरी 2022 तक 6 मुखियाओं की जान ले ली गई थी। कई वार्ड मेंबर की जान भी इस दौरान ली गई है। वार्ड मेंबर के वित्तीय अधिकारियों में हुई बढ़ोतरी के बेमतलब पद समझे जाने पर वार्ड मेंबर और पंच के लिए संघर्ष देखने को मिला। हालांकि इस बार के पंचायत चुनाव को निर्विरोध चुनाव की खबर कम ही देखने को मिली थी। जानकारों की माने तो पंचायतों के विकास के लिए सरकार की तरफ से फंड की व्यवस्था इस बार ज्यादा की गई है। साथ ही कोरोना के कारण देश में बेरोजगारी चरम पर है। यही तो कारण है कि बिहार पंचायत चुनाव को एक युद्ध मैदान बनाकर छोड़ दिया गया था। इन सब के बावजूद इस बार पंचायत चुनाव में 80-90% नए मुखिया बनकर आए हैं। सिर्फ पटना जिले में 95% सीटों पर नए चेहरों की को जीत हासिल हुई है। साथ ही साथ कई बड़े नेता के रिश्तेदार इस चुनाव में हारे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि जब चुनाव में ईवीएम का भी इस्तेमाल किया गया हो, जिससे बूथ कैप्चरिंग और अन्य घटनाओं को रोका जा सके। भले ही इस बार पंचायत चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन हो गया हो, लेकिन इस बार मुखियाओं की सुरक्षा में भारी चूक हुई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।